बड़ी दुखदाई घटना जी दुल्लेवाला नगर की जिहड़ी दास्तान है इस परिवार की हिरदे बलूंदण वाली है। जे तुसी माता मिंदर कौर जी की जवानी सुनो तो लूं कंडे खड़े हो जाते हैं कि की हो रहा साढ़े इस पंजाब दे विच, किस तरह का अमन कानून का काम है, किस तरह की पुलिस की ड्यूटी है। बहुत ही कह लो कि किसी पासे कोई इंसाफ वाली गल ही नहीं। इन्ना तशद्दुद, इन्ना जुल्म, सरदार राजपाल सिंह जी दे नाल उहदी कुटमार घर जाके उन्हां दे बेटे वालों गुरसेवक वालों जिन्हें पहला आपदी घरवाली नूं फाह दे के मारता, उदू बाद आपदी मर्जी नाल होर ब्याह करा लिया, उहदे इक लड़का सी, हुण उहदे कहिण दे अनुसार आपदियां पहलां वालियां बच्चियां नूं भी तंग परेशान करदा। बेटी है लवजीत, उह भी नाल आई है, जे उहदी गल सुणीए तां बड़ा इन्ना दुख हुंदा कि की कुछ हो रहा साडे समाज दे विच, की कुछ इंसान कर रहे ने, कित्थे ने समाजिक कदरां कीमतां। सो कुट मारन वालियां गल्लां, उहनां दे थां ते कब्जा करन वालियां गल्लां, दादा दादी उह बेटी दा जां अपनी दूजी बेटियां दा, उह बेचारे सोचदे आ कि असीं कोई अपना छोटा बोटा दुध बेच के अपना कारोबार करके चलो नाले आपदा पालन पोषण करदे आ, नाले इहनां दा करदे आ। उह इहनां नूं भी जिउण नहीं दिंदे, घर आ के राजपाल सिंह की कुटमार की, बांह तोड़ती। बिल्कुल जी, राजपाल के ना है जगह रिकॉर्ड के सू कागजत असी दिखा सकते हैं, पर अंधेरगर्दी इन्नी है कि नाले घर आके कुटमार, नाले लुट खोह कर ली, चोरी भी करके लै गए समान। पुलिस ने पूरी डट के मदद की है कांगड़ के कहने, क्योंकि कांगड़ के नाल जिहड़ा गुरसेवक सिंह है उठता बैठता, एक उहदी इत्थे रिश्तेदारी है, दोनों की पूरी सांझ है, प्याले की भी सांझ है। सो उहनूं कोई ये नहीं हैगा भी कि इंसाफ की की गल है, वह सिर्फ कि बस मैं गुरसेवक की मदद करनी है, वह चाहे गलत है चाहे ठीक है, सारे पिंड नूं पता, सारा पिंड नगर इन्हां दे नाल। उदे भी जे आसे पासे तो नगर के लोग ना आउंदे, नाले उन्होंने बजुर्गों नूं मार देना सी, नाले वह बेटी है जिहड़ी लवजीत उहनूं मार देना सी, नाले माता मिंदर कौर इन्हां नूं मार देना सीगा। तो पिंड वाले ने छड़ाए, फिर वो भज्जे मोटरसाइकिल उत्थे जिहड़े नाल आए सी लिआंदे सी, उह उत्थे छड्ड के गए, फिर पुलिस ने डट के मदद की। सगा इन्हां दी गल सुणन दी बजाए, इंसाफ देण दी बजाए, इन्हां ते उल्टा 307 दा 452 दा झूठा जिहड़ा परचा दर्ज करता, उहनूं जाके घर पुलिस लै के गई, उत्थों फिर समान चुका के जिंदे उहदे लवाए, इन्हां नूं घरों बाहर किया होया, परचे दा उत्तों डरावा। सो इहो जिहियां गल्लां आजाद भारत दे विच जिहड़ियां मुगल हकूमत दे विच अंग्रेज़ हकूमत दे विच भी नहीं होईयां, उह वापर रहीआं हैं कांग्रसी हकूमत की बदौलत, जां साडे अपने इहो जिहे जिहड़े लोक ने विधायक ने किहो जिहियां गल्लां किहो जिहियां परिवारां दे नाल धक्केशाहियां करा रहे आ, जिहदी असीं बहुत सख्त शब्दां दे विच निखेधी करदे हां, ते नाल इंसाफ की मंग भी करदे हां। मैं धन्नवाद भी करदा सारे मीडिया का कि तुसीं सारे परिवार की जिहड़ी दुखदाई कहानी है, दर्द भरी कहानी है, बहुत गंभीरता दे नाल सुनी है, ते ये सुनेहा जिहड़ा समुचे समाज दे विच पंजाब दे विच जाएगा, ते जरूर परिवार नूं जिहड़ा इंसाफ मिलेगा। ते प्रशासन तो भी ये आस उम्मीद रखदा कि हर पक्षों जिहड़ा परिवार नूं बनदा इंसाफ दिता जाए, इन्हां दी जान माल की राखी की जाए, इन्हां नूं घरे बसदा किया जाए, किन्ने दिनां तो बेचारे बेघर होए फिरदे आ, ते अपना जिहड़ा ये कारोबार कर सकन। सो इहो ही आस उम्मीद रखते हैं कि हर तरह असीं परिवार दे नाल खड़े हाँ, डट के इहो जिहियां जिहड़ियां धक्केशाहियां नहीं होण देवांगे, और इन्हां दी पूरी डट के मदद करांगे और इंसाफ जिहड़ा लैके हटांगे। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी जी।